वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का 11th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी प्रॉब्लम दो बार एग्जाम में आ चुका है, इन द ईयर विंटर 7 एंड विंटर 11। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। ये लिखा है एक्स इंटू ब्रैकेट वाई माइनस जेड इंटू पी प्लस वाई इंटू ब्रैकेट जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जेड इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो बता देते हैं। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करो, चैनल को अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यहां पे हम आपको बताते हैं लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, दैट इज पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ठीक है ना। यहां पे जो स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू है, स्मॉल पी यानी डेल जेड बाय डेल एक्स, स्मॉल क्यू यानी डेल जेड बाय डेल वाई। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये ऑलरेडी ये फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो कन्वर्ट करो, ठीक है। तो चलो चेक करेंगे, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहां जो P के पहले के ये जो सभी टर्म्स है ये है कैपिटल P, ठीक है। तो ये देखो यहां पे, एक मिनट, यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो हम जो है इसी को यही से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहां पे कॉपी कर लिए, और अब जैसा हमने कहा था कि इसको लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो ये जो है इसमें कैपिटल पी क्या है, कैपिटल क्यू क्या है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये इतने टर्म्स कैपिटल पी है, ये इतने टर्म्स जो है वो कैपिटल क्यू है, ठीक है, एंड इतने टर्म्स इक्वल टू के राइट साइड में ये कैपिटल आर है, ठीक है। पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर, ऐसा है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आपको क्या करना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या करो, कैपिटल पी अलग निकालो, कैपिटल क्यू अलग निकालो एंड कैपिटल आर अलग निकालो, उससे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करनी है, ठीक है। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे कंपेयर इट विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, सो देयर फोर कैपिटल पी क्या है, सो कैपिटल पी इज एक्स इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। देन कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल क्यू इज वाई इंटू जेड माइनस एक्स, एंड वॉट इज कैपिटल आर, सो कैपिटल आर इज इक्वल टू के राइट साइड में जेड इंटू एक्स माइनस वाई। तो फाइनली हमने यहां पे कैपिटल पी, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर को निकाल लिया है यहां से बाहर, ये हमने मेंशन किया है। अब इसका यूज करके जैसा हमने कहा था ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है, तो उसको कहते हैं लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन कहेंगे तो भी चलता है, लेकिन जनरली इसको यहां पे लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है डीएक्स बाय पी कैपिटल पी इक्वल टू डी वाई बाय कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड बाय कैपिटल आर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन का। हमें ये पी क्यू आर का यूज करके, बस ये पी क्यू आर उठा के यहां पुट कर दो डिनोमिनेटर में, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम यहां लिख लेंगे ए इज, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, आप पूरा स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाय क्यू इक्वल टू डी जेड बाय आर, और अब यहां पे वैल्यूज पुट अप करो। सो हम यहां लिख लेंगे डी एक्स बाय पी यानी एक्स इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू डी वाई बाई क्यू यानी वाई इंटू जेड माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड बाय आर यानी जेड इंटू एक्स माइनस वाई। तो फाइनली यहां देखो हमने ये फाइनली क्या बना लिया, ये हमने लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करके हमें यहां पे दो सॉल्यूशंस निकालना है। पहला सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ यू जिसको कहते हैं फर्स्ट कांस्टेंट, एंड दूसरा सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ वी जिसको कहते हैं सेकंड कांस्टेंट, और फिर एट द लास्ट ये दोनों का यूज करके हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है फाई ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो। तो यहां पर आपको यू एंड वी पुट करना पड़ता है, यू यानी फर्स्ट कॉन्स्टेंट यानी फर्स्ट सोल्यूशन एंड वी यानी सेकंड कॉन्स्टेंट यानी सेकंड सोल्यूशन, और वो दोनों हमें
ये ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकालना है। तो चलो यहां से हम दो सॉल्यूशंस निकालते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? आगे बढ़े तो चलो सॉल्यूशंस निकालते समय फर्स्ट सॉल्यूशन यू निकालेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जो कुछ भी सॉल्व करना है ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस के साथ सॉल्व करना है। मतलब यहां पे देखो तीन फ्रैक्शन है, dx का, dy का, dz का, तीन फ्रैक्शन है। तो ये तीन फ्रैक्शन के साथ क्या करना है ये चॉइस आपकी है। मतलब एडिशन करना या सब्सट्रैक्शन करना या मल्टीप्लीकेशन करना या डिवीजन करना कि आपको मल्टीप्लायर का यूज करना है कि क्या करना है, किस तरह से आपको दो सॉल्यूशंस निकालना है ये चॉइस आपकी है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। हो सकता है हम जो तरीके से सॉल्व करा के दे, हो सकता है बुक में कुछ अलग वे से सॉल्व करा के दिया होगा, आंसर भले ही जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा लेकिन मेथड अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि हमने कहा ना इसको सॉल्व करने का कोई स्पेसिफिक वे नहीं है, सॉल्यूशन आप कोई भी वे से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हो सकता है हम अगर मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड लेंगे तो कोई दूसरा कोई वन बाय एक्स वन बाय वाई वन बाय जेड लेंगे, या कोई वन 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 लेंगे, या कोई एक्स वाई माइनस जेड लेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो यहां पे आप क्या करेंगे, तो पहला सॉल्यूशन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे पहले दो फ्रैक्शन को इक्वेट करके कोई फायदा नहीं है, लास्ट के दो फ्रैक्शन को इक्वेट करके भी कोई फायदा नहीं है, पहला और तीसरे फ्रैक्शन को भी इक्वेट करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगा। अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे डिनोमिनेटर में, अगर हम यहां पे x से मल्टीप्लाई कर ले, यहां पे y से मल्टीप्लाई कर ले, यहां पे z से मल्टीप्लाई कर ले, तो कुछ टर्म्स यहां पे कैंसिल हो सकती है। तो हम एक काम करेंगे यहां पे मल्टीप्लायर यूज करेंगे 111, ठीक है ना, 111 मल्टीप्लायर यूज करेंगे और उसका जो भी एक फ्रैक्शन बनेगा उसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, उससे हमें फर्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो हम यहां पे सॉल्व करेंगे, तो हम यहां पे लिख लेंगे यहां पे बाय यूजिंग मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का यूज करेंगे 111, ठीक है, 111 मल्टीप्लायर का यूज करेंगे। देखो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के साथ क्या करना है, इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया जहां तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में 111 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 111 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो दैट इज 1 इनटू dx, ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, ओनली dx लिखेंगे तो भी चलता है। सो dx न्यूमरेटर में प्लस dy न्यूमरेटर में प्लस dz न्यूमरेटर में, तीनों को ऐड किए और डिनोमिनेटर में x इंटू वाई माइनस जेड, ये पहला डिनोमिनेटर, प्लस सेकेंड इसमें y z माइनस x, प्लस थर्ड z माइनस एक्स, प्लस थर्ड z इंटू एक्स माइनस वाई, और इसको क्या करो जीरो के साथ इक्वेट करो, ठीक है। और अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जैसा हमने कहा था डिनोमिनेटर को हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे, कोई ना कोई टर्म यहां पे जरूर कैंसिल होंगी। तो यहां पे x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहां पे अंदर में x से मल्टीप्लाई करो, यहां पे y से मल्टीप्लाई करो और यहां पे z से मल्टीप्लाई करो। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं है, dx प्लस dy प्लस dz, देखो डिनोमिनेटर में पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद और लास्ट में जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब चेक करो क्या कुछ कैंसिल होगा, यस बिल्कुल कैंसिल होगा, देखो यहां पे एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये वाई जेड माइनस वाई जेड कैंसिल हो गया, ये एक्स जेड माइनस एक्स जेड कैंसिल हो गया, और अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, ओनली वन, और न्यूमरेटर हो जाएगा दैट इज dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू जीरो, फाइनली इतना ही रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा और हमें पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेट करना है तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल टू जीरो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी x प्लस y प्लस z इक्वल टू c1, पहला कांस्टेंट c1 दैट इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहेंगे हम उसको। तो ये हमें पहला सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है ना। तो पहला सॉल्यूशन हमने कहा था इन द फॉर्म ऑफ u निकालना है, सो देयरफॉर हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर u ऑफ x y z यानी ही पहला कांस्टेंट c1 दैट इज x प्लस y प्लस z इक्वल टू पहला कांस्टेंट c1। तो इस तरह से हमने पहला सॉल्यूशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड जो चाहिए वो हमने निकाल लिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पे हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट बीट सॉल्व हो गया समझ लो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो आधा हो गया, अब हमें एक और सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि हमने आपको कहा था दो सॉल्यूशंस निकालना है यानी दो कांस्टेंट निकालना है। पहला कांस्टेंट हमने निकाल लिया सी वन जो कि है यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, चलो दूसरा कांस्टेंट निकालते हैं वो रहेगा वी इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। तो वो
कांस्टेंट, वो दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए भी आपको इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करना है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहां पे क्या यूज करेंगे, क्या मल्टीप्लायर यूज करेंगे? तो देखो, डिनोमिनेटर में अगर ये एक्स को हटा देंगे, वाई को हटा देंगे, जेड को हटा देंगे, और ये डिनोमिनेटर को अगर हम ऐड कर देंगे, एक्स वाई जेड को हटा के अगर हम डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे ना, तो सभी टर्म्स फिर से कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब अगर ये x को हटाना है तो डिनोमिनेटर में 1 बाय x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे 1 बाय y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे 1 बाय z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो इनडायरेक्टली यहां हमें मल्टीप्लायर यूज करना है 1 बाय x, 1 बाय y, 1 बाय z। तो चलो यहां पे मल्टीप्लायर का यूज करेंगे। यहां तक हो गया। तो स्टेप नंबर टू, यहां पे केस टू, बाय यूजिंग मल्टीप्लायर। इसके पहले 111 यूज किए थे, बाय यूजिंग मल्टीप्लायर 111। नाउ बाय यूजिंग मल्टीप्लायर, बाय यूजिंग मल्टीप्लायर 1 बाय x, 1 बाय y एंड 1 बाय z। और जैसा इसके पहले हमने किए थे बिल्कुल वैसा ही करना है। यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1 बाय x, 1 बाय y, 1 बाय एंड 1 बाय z से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, जीरो के साथ इक्वेट करो। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि यहां पे सॉल्व हो जाए। तो न्यूमरेटर में 1 बाय x इंटू डी एक्स, 1 बाय y इंटू डी वाई, प्लस प्लस 1 बाय z इंटू डी जेड। ये हो गया न्यूमरेटर में। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 1 बाय x इंटू x इंटू एक्स माई सॉरी यहां पे इसको आप यहां पे x कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं ना, 1 बाय x इंटू ऐसा लिखते हैं, इंटू x इंटू y माइनस जेड। ठीक है, y माइनस जेड प्लस 1 बाय y इंटू वाई इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं, चलेगा? प्लस 1 बाय जेड इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो के साथ इक्वेट कर लो इसको। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स कटा, ये वाई वाई कटा, और ये जेड जेड कट गया। और अब न्यूमरेटर में देखो क्या रहेगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, 1 बाय एक्स डी एक्स, ये न्यूमरेटर एज इट इज है। एक मिनट, तो न्यूमरेटर में 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई प्लस 1 बाय जेड डी जेड, ये न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में देखो, अब यहां पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, जो बच गया वो विदाउट ब्रैकेट लिखो। सो वाई माइनस जेड पहले इसमें, दूसरे इसमें प्लस जेड माइनस एक्स, एंड तीसरे इसमें प्लस एक्स माइनस वाई, ऐसा बचा इक्वल टू जीरो। देखो जो टर्म कैंसिल हो गई वो छोड़ने के बाद जो टर्म बची है उनको हमने विदाउट ब्रैकेट लिखे। अब यहां विदाउट ब्रैकेट लिखने का फायदा क्या हुआ, देखो y कटा ये y के साथ, z कटा ये z के साथ, x कटा x के साथ, और अब जो बचा है वो क्या बचा है, न्यूमरेटर बचा है एज इट इज। तो न्यूमरेटर हम लिख लेंगे यहां पे, तो ये हमने न्यूमरेटर लिख दिए और इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब यहां पे इंटीग्रेट करो, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग जैसा इसके पहले किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय जेड डी जेड। तो आपको इंटीग्रेट करते आना चाहिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है ना, 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। तो यहां पे लॉग एक्स, यहां लॉग वाई, यहां लॉग जेड। तो हम यहां लिख लेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जेड इक्वल टू, कांस्टेंट लेंगे लॉग ऑफ सी टू, लॉग के फॉर्म में। ठीक है, यहां तक हो गया। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? यस, बिल्कुल। यहां पे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड यानी लॉग ऑफ एक्स वाई जेड होगा। क्या फार्मूला यूज करेंगे? लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी है ना। तो यहां पे लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई जेड। तो हम यहां लिख लेंगे, तो ये हो गया लॉग ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू। अब यहां पे लॉग लॉग कट करो, इधर लॉग कट गया, और जो बचा है क्या बचा, सी टू इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, तो ये हमें यहां पे मिल जाएगा। सो देयर फॉर एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू, तो ये हमें सेकंड सॉल्यूशन मिल गया, सेकंड सॉल्यूशन ये हमें मिल गया। सो यहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि देयर फॉर वी ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब v इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, ये है एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू। तो सेकंड सॉल्यूशन यानी सेकंड कांस्टेंट जो हमें चाहिए था वो हमने ये निकाल लिए।
तो फाइनली जैसा हमने कहा था कि दो सॉल्यूशंस निकालना है, देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं एक सिंगल स्क्रीन पे तो इतना लंबा आएगा नहीं, लेकिन देखो ये आपके सामने है। तो पहला सॉल्यूशन कहां है, ये देखो पहला सॉल्यूशन u ऑफ x y z जो कि है x plus y plus z equal to c1, यानी पहला कांस्टेंट। और दूसरा सॉल्यूशन आपके सामने ये है, देखो ये v ऑफ x y z जो कि आया है x y z यानी सेकंड कांस्टेंट c2। तो फाइनली हमने आपको कहा था कि दो सॉल्यूशन निकालना है, यानी दो कांस्टेंट निकालना है, पहला इन द फॉर्म ऑफ u एंड दूसरा इन द फॉर्म ऑफ v। तो u एंड v निकाल लिए, बस ये दोनों का यूज करके अब यहां पे जनरल सॉल्यूशन लिख लो और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। चलो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो एक काम करते हैं इधर ही लिखते हैं, ज्यादा इसको अब आगे नहीं लेके जाते हैं, देखो इतने इसमें हो जाएगा। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, फाई ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फाई ऑफ यू क्या है, यू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड वी क्या है, वी है एक्स वाई जेड, ठीक है एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, बस इतना ही करना है। और ये हमने जो लिखे हैं नीचे, बस हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और यहां पे प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख दिया है दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और इस तरह से फाइनली ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। जैसा हमने स्टेप्स जो हमने आपको कहा था स्टार्टिंग से, बिल्कुल वही स्टेप्स का हमने यूज किया है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, यहां से हमने पी क्यू आर निकाले, उसका यूज करके हमने लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए, और यहां से हमने दो सॉल्यूशंस निकालना था। तो ये पहला स्टेप, ये पहले स्टेप के थ्रू पहला सॉल्यूशन मिला, एंड जो कि मिला x plus y plus z, और दूसरा सेकंड केस में सेकंड स्टेप का यूज करके हमने दूसरा सॉल्यूशन निकाले हैं जो कि है दैट इज एक्स वाई जेड, ये सेकंड सॉल्यूशन, और फिर एट द लास्ट दोनों सॉल्यूशन का यूज करके जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है, कंपलसरी है। तो ये हमने स्टेप शो किए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं हर एक स्टेप हर एक फार्मूला पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वैसे ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम था। तो ये था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले के 10 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।